हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये इसमें बनाने के लिए है ही कुछ नहीं। अब आपके ये कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों बना रही है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए एक बर्तन में मैं ले रही हूँ हाफ कप गेहूं का आटा। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ले रही हूँ 2 टेबल स्पून चावल का आटा। इससे जो स्नैक्स हम बना रहे हैं क्रिस्पीपन आएगा। एक स्नैक्स में अच्छा सा कलर आए तो 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। साथ में डालेंगे 1 पिंच हींग, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें और कोई मसाले इसमें यूज नहीं करूंगी। बस अब इसको रख देते हैं साइड में। स्नैक्स के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ चटनी। इस चटनी की खास बात ये है कि मैंने यहाँ धनिया लिया है, ये मैंने डंडियों के साथ लिया है। अब आप कहेंगे धनिया चटनी बनाते तो उसमें डंडियां भी साथ में लेते ही। साथ में डालू 1 हरी मिर्च, हरी मिर्च ज़्यादा नहीं डालूंगी। अदरक, ये तो हो गई जो कॉमन चीज़ें होती हैं। इस चटनी की खास बात है ये अमचूर। ये अमचूर इस चटनी में डाला जाता है, इसी से इसका सारा टेस्ट आता है। अगर आपके पास साबुत वाली अमचूर है उसको भिगाकर पानी में रख लीजिए, उसका यूज कर लीजिए। अगर साबुत वाली अमचूर नहीं है तो आप इसमें सूखा अमचूर का पाउडर या आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको पीस कर लाती हूँ। इसको पीसने से पहले मैं इसमें डाली हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक, इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब हींग। हींग का फ्लेवर इस चटनी में 4 चांद लगा देता है। अब हम इसको पीस लेते हैं। चटनी हमारी पिसकर हो गई है तैयार। अब आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम ग्रीन नहीं रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि जो हमने अमचूर डाली थी उससे इसका कलर ग्रीन नहीं रहता, थोड़ा मड़ी सा कलर हो जाता है। अब हम इसको साइड कर देते हैं। आज का स्नैक्स बनने वाला है इन कच्चे आलूओं से। इनका साइज आप देख सकते हैं कितना छोटा है। ये मेरी मम्मी के यहाँ जब भी जाती हूँ ना तो ये एक भजे वाला बेचता है अक्सर कर। सर्दी हो गर्मी हो इतने इसके भजे बिकते हैं कि समोसा कचौड़ी उसके सामने फेल है। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है बहुत ही कम समय में। इसका छिलका हम बिल्कुल नहीं उतारेंगे। इसको मैंने 7 से 8 बार अच्छे से रगड़कर धो लिया है। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, ये ऐसे ही हमें रखने हैं। धोने के बाद इनको कर लेते हैं साइड। अगर आपके आलूओं का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसके 2 पीस कर सकते हैं। मेरे आलूओं का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं इनको साबुत ही रखूँगी। साथ में एक बात का और ध्यान रखिए, अगर आलू आपका हरा है तो उसको बिल्कुल अलग हटा दीजिए, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। वो थोड़े से पनीले टाइप के हो जाते हैं, बहुत बेकार उसका टेस्ट आता है। हरा आलू इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको साइड कर देते हैं। हमने जो आटा और चावल का आटा मिक्स करके लिया है उसमें हमने मसाले मिला लिए हैं। अब हमने जो आलू लिए हैं वो भी इसमें पलट देते हैं। हमें एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस इतना पानी हमें इसमें डालना है कि ये आलू के ऊपर सारा बेस चिपक जाए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलू अगर गीले हैं तो उसमें भी काम चल जाएगा। अगर पानी नहीं है आलूओं के ऊपर तो हल्का हल्का हमें इस तरीके से छिड़का करना है पानी का। हमें पानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है और ना ही आटा हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मिक्स करना है। बस आलू के ऊपर आटा चिपक जाए इतना ही हमें सफिशियंट है। जैसे ये आलू सूखे हो रहे हैं हम पानी का छिड़काव करेंगे बस, कि जिससे ये आलू के ऊपर चिपक जाए।
मैं आपको मिक्स करके अभी दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से आलू के ऊपर ये बेस चिपक गया है, हमें एक्स्ट्रा बेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे भी एकदम हम लपेट के एकदम कर देते हैं ना, वो वाला बेस हमें नहीं चाहिए, ऐसा ही बेस हमें चाहिए, हल्का हल्का लगा हुआ, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब 5 मिनट के लिए इनको हम रेस्ट पर रख देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर आज मैंने रखी है भारी तले की लोहे की कढ़ाई। मैंने आज लोहे की कढ़ाई का यूज किया है क्योंकि ये इसके लिए ऑयल चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म, और मैंने सरसों का तेल लिया है। ये सरसों के तेल में ही बनाए जाते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप इसको जो कुकिंग ऑयल खाते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि देखिए आप देख सकते हैं सरसों का तेल, एक तो इसकी झेप निकालने के लिए गर्म किया जाता है, सारा उसमें से निकल जाए उसकी झेप। ऑयल गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी ये वाली लाल मिर्चें, क्योंकि आपने देखा था मैंने इसमें मिर्च का प्रयोग बहुत कम किया है, केवल चटनी में ही मिर्चें डाली हैं। इसका जो टेस्ट आता है इन मिर्चों से आता है। इस तरह से वो सबसे पहले मिर्चों को तलकर रख लेते हैं। अब ऑयल हमारा इतना गर्म है, इसी गर्म फ्लेम पर ही ऑयल इतना गर्म, इसी पे ही हमें ये आलू इसमें इस तरह से डाल देने हैं, एक एक करके डालेंगे। जितने हमारी कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पर इनको हम फ्राई करेंगे। इन्हें हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर उलटते पलटते ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस को स्लो मत करिए क्योंकि साबुत आलू है, बहुत आसानी से ये नहीं पकेंगे, और हाई फ्लेम पर इनको पकाएंगे ना ये जलेंगे नहीं, बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी टेस्ट आएगा। स्टार्टिंग में जब हमने डाले थे तो इसको टच मत करिए क्योंकि नहीं तो इसका बेस इसके ऊपर से हट जाएगा। इनको पकने देते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये अंदर से भी एकदम अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए एकदम बढ़िया। इसी तरह से हम बाकी के भी डाल देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जितने हमारे आ जाते हैं हम उतने ये बना लेते हैं। इनको हम प्लेट में निकाल देते हैं। लीजिए हमारे बाकी के भी बनकर तैयार हो गए, पकौड़े तो हमारे हो गए बनकर तैयार। अब इनको खाया कैसे जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। वो लोग पीते हैं, उनके पास होती है दोने, जो पत्तल वाले दोने होते हैं ना, वही इस तरह से आलू रखते हैं उन दोनों पर। ये देखिए इस तरह से ये आलू रखा और इसके ऊपर डाल दिया इस तरह से चाट मसाला, और इसके ऊपर रख दी एक एक ये मिर्ची, और साथ में दे दी ये चटनी। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े आलू मैंने अगर किए हैं तो ये कच्चे तो नहीं, कच्चे हो सकते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट आलू अंदर तक हो गया है। ये बिल्कुल भी मैंने कच्चा आलू जरूर बनाया था लेकिन ये अंदर तक हो जाते हैं एकदम सॉफ्ट, और इस तरीके से चटनी में डिप करते हैं और खा लेते हैं। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी? बहुत ही कम समय में तैयार बनकर हुई ये रेसिपी, बहुत ही यमी होती है। अगर आपने पहले ये इस तरीके से स्नैक्स खाए हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और कैसे लगते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।